हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सो फाइन। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है गुजराती। गुजराती में आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है उखाणा। ओके, तो पेज नंबर निकालो 2121। तो वहाँ पे हमें उखाणा दिया है चैप्टर 5 पे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि यहाँ पे हमें उखाणा दिया है और सामने उसके आंसर है, बट आंसर हमें इनमें से ढूंढना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से मैं आंसर मतलब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मतलब उखाणा बोलूँगी, आंसर आप लोगों को ढूंढ के यहाँ से बोलना है। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है, सवार आवे सांजे जाए, कौन न जाने क्या संताए। तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिया है कि सूरज, कंप्यूटर, परछाइयों, हिचको को बीच, हॉट, कोकोनट और ओके, तो यहाँ पे चपटी। तो इनमें से कौन सी चीज़ें जो सुबह भी आती है, शाम आती है, बट फिर वो कहाँ पे जाती है वो हमें नहीं पता। तो इनमें से कौन सी चीज़ है? आपको पता है कि सवारे आवे छे सांजे जाए, कोई ना जाने क्या संताए। यस, तो उसका आएगा आंसर सूरज। तो आपको क्या करना है, उसके साथ आपको मैच करना है। तो फर्स्ट जो है उखाणा, उसको आपको सूरज के साथ मैच करना है। फिर है सेकंड, एक पान बीजू पान, पाननी अंदर पान, लीला धोड़ा पांदड़ा, सूचे मारू नाम। तो इनमें से ऐसा कौन सा पिक्चर है जो एक पान है उसके अंदर दूसरा पान और फिर उसके साथ बहुत सारे पान है और उसका कलर कौन सा है? लीला ने धोड़ा, मतलब ग्रीन और वाइट। तो इसका नाम क्या होगा? यस, कैबेज। तो ये सेकंड वाला जो उखाणा है उसका आंसर सेकंड इसके साथ मैच करना है, मतलब कैबेज के साथ, के एक पान बीजू पान, पानी अंदर पान, लीला धोड़ा पांदड़ा, सूचे मारू नाम। तो सेकंड का आंसर आएगा कॉबेज। थर्ड है, बेसग्गा भाई अड अड कहता, अडे नहीं अडिस्मा, अडिस्मा कहे तो अडे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, दो जो सगे भाई है वो बोलते हैं अड अड, बट वो अड़ते नहीं, मतलब वो टच नहीं होते, फिर ये बोलते हैं कि अडमा अडमा, तब वो टच होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, आप एक बार ट्राई करो, अड 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 अड, तो ये चीज़ अड़ रही है मतलब टच हो रही है, नो। फिर अडमा अडमा, तो ये दोनों अडमा अडमा जब ये बोलते हैं ना शब्द, तब वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है? यस, हॉट। तो आप एक बार ट्राई करो, अड अड, तो ये दोनों लिप्स एक दूसरे को टच नहीं करे, बट ये जब ये बोल रहे कि अडिस्मा अडिस्मा, तो जब हम मना करते हैं तब ये दोनों अड़ते हैं। ओके, मतलब ये टच होता है। तो थर्ड आएगा हॉट के साथ, तो ओके, थर्ड को हमें हॉट के साथ मैच करना है। फिर फोर्थ है, शरीर नहीं पण जन्मे खरे, मो नहीं पण करे आवाज, जन्मे एवी झट मरे, चतुर करो विचार। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, चलो बताओ। यस, चपटी। ओके, तो ये हमें पीछे के पेज पे दिया है, तो फोर्थ को हम बट यहाँ पे मैच तो नहीं कर सकते, बट वहाँ पे हम लिख देते हैं कि चपटी। फिफ्थ है, आम जाओ तेम जाओ, ज्यां आम जाओ तेम जाओ, ज्यां जाओ त्यां साथे जाओ, नानो थाओ मोटो थाओ, ऊँगी जाओ तो संताई जाए। तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे साथ वो आता है, फिर छोटा होता है, बड़ा होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है? तो वो होती है परछाई। ओके, तो वहाँ पे है परछाई, तो वहाँ पे थर्ड वाला है उसके साथ हमें मैच करना है। सिक्स है, रहे वृक्ष पर पण पक्षी नहीं, भरेलू छे जड़ पण घड़ो नहीं, माथे छे जटा पण जोगी नथी, छे नित्रित पण शंकर नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो सिक्स में आएगा नारियल। फिर टर्न योर पेज, सेवन्थ में है, दुनिया आखी घर में लावे, काम फटाफट कर तू, ज्ञानों ने सब बारियों खुली, एकज क्लिक में कर तू। तो सिक्स में हमने क्या लिखा था? नारियल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दुनिया आपको घर में लावी, काम फटाफट कर तू, ज्ञानों ने सब बारियों खोली, एकज क्लिक में कर तू। तो कंप्यूटर के सबके घर पे होता है और सब हमारे पास जितना नॉलेज नहीं उतना वो कंप्यूटर में होता है, उतने आइडियाज़ होते हैं उसके बारे में। ओके, तो सेवन्थ में आएगा कंप्यूटर। और एट है, हाले छे पण जीव नथी, चाले छे पण पग नथी, बैठक छे पण बाजट नथी, खवाय छे पण खुटतो नथी। तो उसका आएगा हिचको। ओके, तो नीचे हमें दिया कि उखाणा ने ओळखी आपेला क्रम साथे उत्तर लखो। तो मैं यहाँ पे
क्रम वाइज उसका आंसर लिखते जाऊंगी। नीचे आपको लिखना है। तो फर्स्ट में क्या आता है? तो फर्स्ट में आता है सूरज, सेकंड है तो कॉबीज, थर्ड तो हॉट, फोर्थ चपटी, फिफ्थ तो परछायो, सिक्स नारियल, सेवेंथ कंप्यूटर, और एट है हिचकॉक। ओके, तो नीचे यहाँ पे आपको एट लाइन दी है, उसके उसमें आपको ये आंसर लिखना है कि फर्स्ट में सूरज, कॉबिज, हॉट, चपटी, परछाई, नारियल, कंप्यूटर ने हिचको। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हमें स्वाध्याय। तो आपको क्या करना है कि ये जो स्वाध्याय है ना, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक ये सारे उखाणे आपको लर्न करना है और साथ में आपको याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि एक पान, बीजू पान, पान के अंदर पान, ये आपको सिर्फ दिया होगा, सामने पिक्चर्स भी नहीं हो दिया होगा। फिर आपको आंसर लिखना होगा कि यस, इस उखाणा का आंसर ये आता है। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा कि इसका आंसर क्या आता है, और साथ में आपको लर्न भी करना है। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसका स्वाध्याय। तब तक आपको ये सारे उखाणे को लर्न करना है और याद भी रखना है।